कांग्रेस पार्टी की सरकार समय जिन्हें मंत्री जिहड़े उस समय सी वो अपने मुख्यमंत्री नूं मिलण दे लई 5 साल भटकदे रहे, 5 साल उन्हों अपना मुख्यमंत्री नहीं मिलिया। अज जदों बगैर अपॉइंटमेंट दे एक कांग्रेसी साडे मानजोग सीएम साहब नूं भगवंत मान जी नूं पहुंचे, मिलण लई पहुंचे तां उन्होंने बुला के उन्होंने गल सुनी, आदर सत्कार किया और उस तो बाद उत्थे ही धरना ला के बैठ के किस काम लई कि साधु सिंह धर्मसोत नूं बचाउणा गा। साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ बहुत सारा एविडेंस सरकार कोल आ, बहुत सारे सबूत सरकार कोल ने, कानून अपना काम कर रहा, कानून नू अपना काम करन तो रोकण दे लई ये भ्रिष्टाचारी उत्थे बैठे ने, क्योंकि इन्हां दे खून दे विच, इन्हां कांग्रसियां दे खून दे विच भ्रिष्टाचार इन्हां दी रग रग दे विच भरिया होया गा। ये आकड़े अपने भ्रिष्टाचारी मंत्री नू बचाउण लई उत्थे बैठे ने, इस तों शर्म वाली होर गल की हो सकी आ, क्योंकि जिहड़ी माड़ी मोटी बची खुची कांग्रेस आ पंजाब विच उह भ्रिष्टाचारी नू बचा रही है। इन्हां दे बहुत सारे मंत्री दूसरिया पार्टियां चले गए जिन्होंने खूब रद के भ्रिष्टाचार किया, और बड़े हैरान आंगे कि कैप्टन साहब ने कहा सीगा कि मैं मंत्रियों की जिहड़े साबका मंत्री उन्होंने काम करते रहे हैं कि मैं उन्होंने लिस्ट जारी करूँगा और उन्होंने बारे सबूत जोड़े है मानजोग सरकार को भेजूंगा, मानजोग मुख्यमंत्री साहब को भेजूंगा। उन्होंने कोई सबूत नहीं भेजा, पर लेकिन जो सरकार मान साहब की सरकार लगातार भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लै रही है तो मैं समझता अच्छ भ्रिष्टाचार बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हुई है। इतों स्पष्ट होंदा गा कि पिछले सालों में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब च रज के भ्रिष्टाचार किया गा, अज एक भ्रिष्टाचारी नूं बचाउण दे लई सीएम साहब दे घर बैठे लगे। इस तों माड़ा मैं समझदा कुछ नहीं हो सकता गा, ये स्पष्ट है कि खून दे विच इन्हां दी जिहड़ियां कांग्रसियां दे रगां दे विच खून दौड़ रहा, उहदा कतरा कतरा भ्रिष्टाचार नाल भरिया पिया गा।